हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गास रेसिपीज में। आज मैं बनाने जा रही हूँ राम तिल की चटनी। इसके लिए हमने लिए हैं 100 ग्राम राम तिल, 2 लहसुन की गड्डियों के हमने छिलके हटा कर लिए हैं, 1/2 चम्मच इमली लिया है और 3 चम्मच ड्राई कोकोनट पाउडर लिया है, कश्मीरी मिर्च पाउडर, मालवनी मसाला और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें राम तिल को अच्छे से ड्राई रोस्ट करके लेने हैं। राम तिल को ड्राई रोस्ट करने के लिए हमने फ्राई पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। तो अभी हम राम तिल को डालेंगे। चटाई में सब हमें इसे भून लेने हैं अच्छे से। अच्छे से हमने भून लिए हैं तो हम इसमें छिलके रखे हुए लहसुन ऐड कर देंगे। इमली भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ड्राई कोकोनट पाउडर भी हम इसमें ऐड करके अच्छे से फिर से हमें अच्छे से भून लेंगे। थोड़े से कलर चेंज होने देना है हमें, थोड़े से कलर चेंज होने तक हमें इसे अच्छे से भून लेने हैं। तो हमने अच्छे से भून लिए हैं और कलर भी चेंज हो चुका है, देखिए। तो अभी हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तो चूल्हे को अभी हम कर लेंगे और अभी हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। राम तिल को अपने अच्छे से ड्राई रोस्ट करके ठंडा होने के लिए रखे थे। वो ठंडा हो चुका है तो अभी हम मिक्सी में डाल कर इसे पीस लेंगे। तो हमने अच्छे से पीस लिए हैं। अभी इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और मसाला ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक हम इसमें ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच मालवनी मसाला। अब इसे हम फिर से पीस लेंगे। मसाला डालकर हमने अच्छे से पीस लिए हैं। तो राम तिल की चटनी तैयार है। तभी हम जार में डालकर आप खाना खाते वक्त भी खा सकते हैं। जारे की रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। खाने के लिए राम तिल की चटनी तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।